स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 498A के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपका जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर जो इस तरह के कुछ भी केस किए, चाहे वो दहेज के मांग की केस किया हो की हो कि दहेज प्रताड़ना का केस किया, चाहे 498A का केस किया है, या फिर आपकी पत्नी जो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपसे अलग रह रही है और अब आपसे वो अंतरिम भरण पोषण की मांग करती है या फिर 125 CRPC में जाकर के वो मेंटेनेंस मांगती है, तो इस तरह के आपके सारे केस खारिज हो सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, उन पर फोकस करने के लिए हम आपको समझाएंगे और आप किस तरीके से अपने केस को जीत सकते हैं ये आपको हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, आपको उस पर पूरी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, तो आप उसे भी वीडियो के कमेंट के नीचे आप बताएं कि आपको इस टॉपिक पर, इस टर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इस चैनल पर आपको चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, इन किसी भी, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव किया जाता है। हमारे बहुत सारे वीडियो के नीचे कमेंट आता है, अब कुछ महिलाएं हैं वो कमेंट करेंगी कि आप तो केवल पुरुषों के पक्ष में ही वीडियो बनाती हैं, कुछ पुरुष हैं वो कमेंट करेंगे आप तो केवल महिलाओं के ही पक्ष में वीडियो बनाती हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले इस चैनल के सारे वीडियो को देखा करिए अगर आप देख रहे हैं तो, और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम ना ही केवल पुरुषों के पक्ष की बात करते हैं और ना ही केवल महिलाओं के पक्ष की बात करते हैं। हम अपने वीडियो में के माध्यम से एक पुरुष वर्ग के को भी उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और एक महिला वर्ग को भी उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही प्रताड़ित हैं या ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही प्रताड़ित हैं। बहुत जगह ऐसा है कि जहां महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जहां पे पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ नहीं होता या छोटी मोटी चीजें होती हैं, उनको वो फेस करने से अच्छा वो समझती हैं कि सीधे जाकर के कोर्ट में और पूरे परिवार को फंसा दें, या फिर वो उन्हें परेशान करना चाहती हैं। इसमें कुछ मायके वालों की भी बहुत गलती रहती है, ये बात कहने में बिल्कुल भी कोई भी गुरेज हम नहीं करेंगे कि इसमें मायके वालों की भी गलती होती है। वो अपनी बेटी को या अपनी बहन को ये नहीं समझाते कि छोटी छोटी चीजों को तुम एडजस्ट करके अपने घर को संभाल सकती हो। वो ये समझाते हैं कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी तुम्हें कोई भी एडजस्ट नहीं करना है और तुम्हें, तुम आओ हम केस कर देंगे, इस तरीके से हम लड़ लेंगे और तुम्हारे अधिकारों को दिला देंगे। सबसे पहले तो आपको हम ये जानकारी दे दें, अगर आप महिला हैं, आप इस वीडियो को देख रही हैं, तो इन चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें होने के बाद आप अगर कोर्ट पहुंच जा रही हैं और आपको वहां से इंसाफ मिल जाएगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आप सच में प्रताड़ित हो रही हैं तो आपके पास उसका सबूत होगा। अगर आप प्रताड़ित नहीं हो रही हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आपके सास ने आपको कभी कुछ कह दिया, आपके पति ने आपको कभी कुछ कह दिया, कुछ बस कह दिया और कभी कह दिया, बहुत फर्क है। आप बात को थोड़ा सा समझिएगा कि केवल कह दिया और कभी कह दिया, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लगातार हो रही हैं आपके साथ तो वो प्रताड़ना में आएंगी, लेकिन अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो कि कभी हो जा रही हैं तो वो प्रताड़ना में नहीं आएंगी। अब अगर आप उसको अपने ईगो का पॉइंट बना लेती हैं और आप उस बेस पर अगर आपको ये आपका है कि नहीं, अब हमें रहना ही नहीं है साथ में, अब हमें इसके ऊपर हमें केस कर देना है, हम मेंटेनेंस भी पालेंगे सारी चीजें, तो देखिए आपको इतनी आसानी से आप अपने केस को नहीं जीत पाएंगी। क्यों नहीं जीत पाएंगी? क्योंकि आपके पास तो सबूत ही नहीं है। आप तो छोटे छोटे पॉइंट को बना करके वहां पर ले गई हैं, जाकर के आपने केस कर दिया है। इन पॉइंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि आप किस बेस पर आप जा रही हैं तो आपको फायदा मिलेगा और किस बेस पर जाने तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये वीडियो पुरुष पक्ष के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि उनको ये इस वीडियो से ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर उनकी पत्नी ने भी इन छोटे से पॉइंट को अगर अपने केस में, अपने केस में ड्राफ्ट करवाया है या उसमें कैरी किया हुआ है, तो उसके बेस पर आप अपने केस को कैसे जीत सकते हैं, कैसे खारिज करा सकते हैं। और आप खुद को इस झूठे केस से, झूठा इसलिए क्योंकि जो चीजें थी नहीं उनको भी बड़ा बना दिया गया है, तो आप इस किस तरीके से आप उनसे वापस निकल सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी पति पत्नी के बीच में कुछ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है और ये जो झगड़े होते हैं ये बहुत छोटी सी बात से शुरू होते हैं, लेकिन आपकी जो ईगो का पॉइंट होता है वो उसे बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है। अब जब आपने आपने किसी भी बात को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, आपने अपने मायके में फोन किया और मायके में जब आप फोन करके ये चीजें बताती हैं तो मायके से ये रिस्पॉन्स मिलता है कि ठीक है तुम आ जाओ या हम तुम्हें लेने आ रहे हैं
और फिर हम आगे इनको देख लेंगे। देख लेंगे ये शब्द होता है मायके वालों का कि हम देख लेंगे, देख लेंगे इन द सेंस कि अब हम उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाएंगे। आप ये बात यहाँ पर भूल जाते हैं कि अगर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर उनको लगवाएंगे तो आप भी जरूर उस कोर्ट कचहरी का आपको भी जरूर चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक पार्टी जा रही है दूसरी पार्टी नहीं जा रही है, ऐसा नहीं केवल दूसरी पार्टी का ही पैसा खर्च हो रहा है आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है, दोनों का बराबर ही खर्चा होगा, दोनों को बराबर ही लगना पड़ेगा, अपना समय खराब करना पड़ेगा। वहीं अगर आप छोटी सी चीज़ों पर अपनी बहन को अपनी बेटी को ये समझाइए कि देखो एडजस्ट कर लो, कुछ दिन में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, उन चीज़ों को एडजस्ट करके। बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़े बहुत छोटे से किसी पॉइंट पर स्टार्ट होकर वो बहुत बड़े बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपने उन्हें बड़ा बना दिया होता है। अगर आप रिश्ते में किसी बंध गए हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि वो सही हो जाए। हम यहाँ ऐसे किसी केस की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर किसी महिला को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ उसे रोज मारा जा रहा है, जहाँ उसे रोज मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। हम यहाँ बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसे केस की बात कर रहे हैं जहाँ पर छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो पति पत्नी के बीच में हो जाते हैं। और ये जो छोटे मोटे झगड़े हैं ये अगर आप कुछ समय के लिए शादी से अगर आप 4 से 5 साल तक अगर आप अपने रिश्ते को अगर आप बचा लेते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर आप नई जगह पर जाएं तो आपको समझ में आएगा कि आपको वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों से आपको वहाँ पर आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से आपका ससुराल भी है, कुछ ऐसी जगह होती है ससुराल जहाँ पर आप अपने घर को छोड़ करके जाती हैं, और जब आप अपने घर को छोड़ करके वहाँ जा रही हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पर रहेंगी जो आपके घर पर नहीं होती थी, तो उन चीज़ों को आपको एडजस्ट करना है। कुछ चीज़ें आप एडजस्ट करिए, कुछ चीज़ें आपके ससुराल वाले एडजस्ट करें। यहाँ केवल एक लड़की ही एडजस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर एडजस्ट आपके ससुराल वालों को भी करना चाहिए। उन्हें भी, आप ससुराल से हैं या आप अपने मायके से हैं, दोनों लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर एडजस्ट की बात हम करते हैं, एडजस्ट अगर हमें करना है तो दोनों साइड से कुछ कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर पत्नी है, पत्नी कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर रही है, पति है तो पति कुछ कर रहा है, और ऐसे हम रिश्ते को संभाल सकते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ छोटी सी बात हुई, कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ किसी पॉइंट पर, और पत्नी चली गई जाकर के उसने कंप्लेन करा दी। उसने कंप्लेन कराई, आपका पति पीता है, आपका पति कभी कभी ड्रिंक करके आ रहा है, अब इस चीज़ को आपने बहुत बड़ा बना दिया। आपने उसे समझाया नहीं, आपने उसे मना नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने उन चीज़ों को अपने मायके में बताया, और आपके मायके वालों ने कहा कि देखिए जब शादी हुई थी तब तो लड़के ने नहीं बताया था कि वो ड्रिंक करता है। और इन चीज़ों को आपने बड़ा करके आप गए जाकर के FIR करा दिया, कुछ चीज़ें और उसमें जोड़ घटा करके आपने उसमें लिखवा दी। यहाँ पर सबसे पहला आपको क्या स्टेप लेना चाहिए कि आपको उसे समझाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं समझाया, आपने उसे बना दिया बड़ा। पत्नी क्या कहती है कि मेरी जो सास हैं और वो हमें किसी से बात नहीं करने देती, या हमेशा हमारे ऊपर निगाह रखी रहती हैं, इस तरह की जो छोटी मोटी बातें आती हैं वो भी कंप्लेन में आ जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट लेकर के अगर आप जा रही हैं, इस तरह के अगर आप पॉइंट लेकर के जा रही हैं, तो ऐसे पॉइंट पर आपका केस ठीक है। आप अगर कहती हैं वहाँ पे पुलिस ने थाने में लिख दिया, क्योंकि भाई उन्हें तो ऊपर से उन्हें ऑर्डर मिला हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा फैमिली मैटर आता है तो उस पर आपको ध्यान देना है, वो नहीं देंगे तो उनकी जॉब पर बनाएगी, तो उन्होंने लिख दिया, आपका केस वहाँ पर हो गया मेंशन। अब दूसरे पक्ष को बुलाया गया और दोनों आकर के जब बातचीत होती है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हुआ। अब आपने कहा कि नहीं, अब हमें FIR में आप कन्वर्ट करिए, चार्जशीट लगाइए, ठीक है, या पुलिस ने अगर थाने से वो बंद भी हो गया आपका, तो आप जाते हैं जाकर के 156(3) में जाकर के आप वहाँ पर केस ड्राफ्ट करवा करके आपने वहाँ पर फाइल कर दिया कि इस तरह की है, उसमें 2-4 पॉइंट और बढ़ा दिया। कुछ चीज़ों कुछ जगह तो ये भी देखने में आता है कि आपने कैरेक्टर को लेकर के अपने किसी घर के अपने ससुराल पक्ष के किसी के भी आपने कैरेक्टर को लेकर के वहाँ पर कोई पॉइंट बनवा दिए। अब आप अगर इस तरह के पॉइंट को बनवा करके जाती हैं, या आपकी पत्नी ने अगर इस तरह के कोई भी पॉइंट बनवाएं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, जिनका उसके पास कोई सबूत भी नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को आप अपने केस पर फोकस करके अपने केस को आप खारिज करवा सकते हैं, इस बेस पर खारिज करवा सकते हैं कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से पत्नी को अलग रहना पड़ रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट कि अगर लिखवाया कि मेरा पति शराब पीता है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ को, मैं अपनी आदत को छोड़ दूंगा, या मैंने छोड़ दिया है लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती है। कुछ ऐसे पॉइंट लिखवाए कि मेरी सास मेरे पर पूरा ध्यान देती हैं, मुझे कहीं बात नहीं करने देती, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी ख़त्म की जा सकती हैं। लेकिन पत्नी ने उन्हें ख़त्म करने की जगह वो चली गई जाकर के अपने मायके में बैठ गई, और मेरे बुलाए जाने पर भी, हमारे बार बार बुलाए जाने पर भी वो आने को तैयार नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, एक जो पति है अगर उसे ऐसा कुछ भी लगता है कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, तो सबसे पहले आपको एक विदाई का दावा कर देना है। विदाई का दावा आप जब कर देते हैं तो इससे आपके पास एक सबूत हो जाता है
कि आगे चल के जब आपकी पत्नी जाती है कोर्ट में तो आप वहां पर दिखा सकते हैं अपने इस केस को कि हमने विदाई का दावा किया था, लेकिन फिर भी वो आने को तैयार नहीं है, बिना वजह बिना रीजन के वो हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपकी पत्नी ने जो केस किया है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट का ध्यान देना है। अब इसके बाद फिर हमारा एक पॉइंट आता है दहेज की मांग। तो दहेज की मांग और दहेज की प्रताड़ना, दहेज के लिए प्रताड़ना, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। दहेज की मांग करना और दहेज के लिए प्रताड़ित करना, देखिए इसके बीच में डिफरेंस समझिए कि जब भी लिखवाया जाता है कि लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, तो मांग की जा रही थी, कभी कभी क्या होता है कि पति बहुत ही नॉर्मल से शब्दों में ये बोल देता है कि मुझे तो तुम्हारे घर से ये चीज मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। तो क्या आप उसे दहेज की मांग समझ लेंगे? बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उसने केवल ये बोला था। ये तो कॉमन, उसमें भी कोई भी बोल सकता है कभी भी कि हाँ ये मिलना चाहिए था, या कभी मजाक में उसने बोल दिया, तो ये दहेज की मांग बिल्कुल नहीं बन जाता। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कभी उसने कह दिया कि नहीं, और ये तुम्हारे घर से जो मुझे टीवी मिली है या जो टीवी आई है वो थोड़ी ऐसी नहीं, तो इस कंपनी की नहीं इस कंपनी की होनी चाहिए थी। तो ठीक है, उसने तो अपना व्यू रखा कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसने केवल ये बात बोली है, उसने आपको कहीं प्रताड़ित नहीं किया है। आपने आपके पति ने आपसे ये नहीं कहा कि अगर टीवी ये मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है, तो अपने घर से ये टीवी मंगाओ, और नहीं मंगाओगी तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, या तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा, या इस तरह का तुम्हें तुम्हारे साथ मैं कुछ कभी करूंगा, या उसके लिए आपको वो मारने पीटने लगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रताड़ना। अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये मांग में नहीं आएगा, ये तो कॉमन सी बात में आप इसे ला सकते हैं। अगर एक पति पक्ष है तो इन चीज़ों पर वो फोकस करके अपने केस को खारिज करवा सकते हैं कि आपकी पत्नी ने जो केस ड्राफ्ट कराया है उसमें पॉइंट क्या है, केस जो ड्राफ्ट हुआ है उसके पॉइंट क्या है। तो अगर आप पॉइंट पर जाते हैं तो उन पॉइंट को आप देख करके अपने केस को आसानी से खारिज करवा सकते हैं और अपने पक्ष में आप निर्णय करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके केस में जो बहस हो रही है, जो जिरह हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है। फैमिली मैटर ऐसे मैटर होते हैं जिन पर कि एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। अगर कोई भी सबूत ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ आपके केस में ये फ़ायदा कर सकता है, तो आप फैमिली कोर्ट को उन सब सबूतों से जरूर कंसर्न कराइए। आप जरूर उनके समक्ष अपनी बात को रखिए कि हाँ हम इसके संबंध में मेरे पास एक प्रूफ है जो कि मैं कोर्ट में सबमिट कर सकता हूँ, अगर कोर्ट की अनुमति हो तो। कोर्ट अगर आपको अनुमति देती है तो आप उन चीज़ों को, उन सबूतों को कोर्ट के समक्ष जरूर प्रस्तुत करिए। तो इस तरीके से आप अपने केस को बहुत ही आसानी से अपने पक्ष में करवा सकते हैं। सबसे लास्ट में हम आपको एक सलाह देते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए एक ही सलाह है कि अगर आपको कुछ छोटी सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आपको पता है कि आप उन्हें सही कर सकती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर सही कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी पूरी लाइफ अपने मायके में नहीं रह सकती। अगर रह भी रही हैं तो भी आपको कभी ना कभी इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि आपको सही समय पर अपनी चीज़ों को सही कर लेना चाहिए था। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप गौर करिए, और अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ आपको लगता है कि आप इन्हें सही कर सकती हैं, तो जरूर एक प्रयास करिए उन्हें सही करने का, न कि सबसे पहले आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाइए, क्योंकि उससे दोनों ही पक्ष को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। केवल पति ही नहीं परेशान होगा, परेशान आप भी होंगी, आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको भी जब भी डेट पड़ती है तो आपको भी जाना पड़ेगा वहाँ पर, आपको भी वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और हर तरह से आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर जरूर आप गौर करिए। आज के वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ दी गई हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें जो कि आपके केस के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से सुनते हैं तो, या सुनती हैं तो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए आपको, या अगर आपको अपने केस से संबंधित हमसे कोई सलाह लेनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात कर सकते हैं। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, किसी टर्म के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।